हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सलमान खान की फिल्म भारत कल रिलीज होने वाली है और फिल्म रिलीज होने में अब सिर्फ एक ही दिन बचा है। वही अब लीजिए, भारत के रिलीज से पहले ही एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबरों की माने तो भारत के साथ आर्टिकल 15 का ट्रेलर भी दिखाया जाएगा। दरअसल आर्टिकल 15 के मेकर्स सलमान खान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग से वाकिफ हैं, जिसके चलते फिल्म को सुर्खियां दिलाने के लिए भारत फिल्म के दौरान आर्टिकल 15 का ट्रेलर दिखाना चाहते हैं। साथ ही भारत के जरिए आयुष्मान अपनी फिल्म को जमकर पब्लिसिटी दिलाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें। बता दें कि आर्टिकल 15 में आयुष्मान खुराना इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे और इस फिल्म में उनके अलावा ईशा तलवार और सैनी गुप्ता जैसे बड़े बड़े स्टार्स भी दिखाई देंगे। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी आर्टिकल 15 इस महीने 28 जून को रिलीज होने वाली है और कहना गलत नहीं होगा कि सलमान भी आयुष्मान पर मेहरबान हो गए हैं। तभी दोनों ने अपनी फिल्म के साथ आर्टिकल 15 के ट्रेलर को दिखाने की इजाजत दे डाली है। बात करें सलमान की भारत की, तो इस फिल्म में वो कई लुक्स में नजर आने वाले हैं। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का फैंस काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत के साथ आर्टिकल 15 का ट्रेलर अटैच करके आयुष्मान की फिल्म को कितना फायदा मिलता है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी हर गॉसिप्स और हर न्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। I'm going to be more attentive to this for sure. She's not like appreciating, not liking any of my pictures, jo bhi hai. Apparently, sir. Apparently, I wasn't aware of this. Apparently, this is what the fans are saying. Whose pictures is she liking? Oh, that I'm going to check it out. But, you know, I mean, the longest time. Even more than Sultan. Because my dear friend here, our director, Ali, I don't think he's ever been to the gym ever. Where are you going, madam? When my time to talk is. I'm waiting. Beat that portion first. So we had that portion, then we did that portion, because the set was the same. So bar bar we couldn't have, you know, dragged it on too long. So then losing weight there, then putting on weight there. So it was very hectic this time as well. Oh, it looks like it, but like I said, kudos to the whole team. It looks fantastic. I'm going to throw it out open to the audience and my entire media friends. I know they want to ask a lot of questions. She was just saying that you were beautiful and happy. Oh, thank you. On the left there. While we continue, or do you want to let me just, because then nobody else will pick up the question. Can we just, is there a mic? The sawal to puchha right there. Yeah, compliment diya, sawal puchha. No, no, we're good. Thanks. Yeah. Check. Thank you so much. My question to you is ki kyunki aapne itne sare kirdaar nibhaye hain 70 years ka, kaun sa ek aisa kirdaar hai jo aapke dil ke bahut nazdeek tha aur किसको निभाने में थोड़ा ज्यादा चैलेंज आपने फेस किया? देखो, ये जो किरदार है ये मेरे एज के आसपास है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये जो किरदार है मैं काफी अरसे पहले इसको भूल गया था, तो इसको वापस एक रिसर्च करना पड़ा मेरी खुद की जिंदगी में जाके पुरानी पिक्चर देख कर, और फिर धुंधला धुंधला सा मुझे कुछ याद आ रहा था अपना बचपना, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। सलमान सर, 70 साल की जर्नी, यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे 30 तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सोने में सुहागा का काम करेगी? ईद और इसके हम तो यही उम्मीद करते हैं। भारत तो हार नहीं सकता कभी भी। नहीं नहीं नहीं, मैं कंटेंट के वे में बोल रही हूँ कि कंटेंट आप भी भारत है और आपके किरदार का भी देखा जाए तो एक साथ 3-3 भारत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, किरदार का, फिल्म का, देश का।
तो सर तीनों को किस तरह से आप एक दूसरे से जोड़ते हैं और कद्र और इज्जत कायम रखने के लिए क्या क्या तैयारी हुई है सर? बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा आपने। दोबारा पूछे सर? नहीं नहीं, आपने वो सवाल दोबारा पूछा तो जवाब भी उसी सवाल में है। जो आपका सवाल था वही जवाब भी था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने का और जवाब देने का। कुछ बोलना चाहेंगे बोलिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि पिक्चर का नाम भारत है, मेरे किरदार का नाम भी भारत है, मेरे कैरेक्टर का नाम भारत है और हमारे देश का भी नाम भारत ही है। कटरीना वाली लेफ्ट सलमान भारतीय है। सर दूसरा सवाल ये था, फिल्म में एक डायलॉग है आपका सर कि जितने सफेद बाल मेरे सर पे और दाढ़ी पे है उससे ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है सर, सहमत है सर? क्योंकि ट्रेलर में कुछ झलक दिखा भी है और फिल्म में भी इंतजार कर रहे हैं देखने का, तो सर फिल्म में जितनी रंगीन आपकी जिंदगी दिखाई गई है रियल लाइफ में उससे कितना ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। सलमान टू योर राइट, ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट। यस, दिलचस्पी रखते हैं बेटा। विल एड्रेस द क्वेश्चन टू कैटरीना, व्हाई इज दैट? Okay, yeah. Katrina, hi. This is Simran Singh here. So first of all, congratulations to you and the team for the fantastic trailer. So मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने जब ट्रेलर देखा था, we loved your camaraderie and chemistry with Bhaijaan. And now when we see this song, it's like you have a supportive role. But apart from that, it's a meaty role. It's a supportive role also. So you only share some light about your character and what you have brought in the matter of interpretation regarding the character. हाँ जी, इनके लिए Bhaijaan नहीं है। हाँ जी। I think you rightly said I think what you said is I think what you said is exactly the way it is in the film. That's why, as I said earlier, for me, I really, really count this among one of my best, if not my best, characters that I've gotten a chance to play so far. It's exactly as you said. She's a support for Bharat's character throughout the film. So her journey also continues on with him in the film. So there was a lot of work. I won't go into too much detail now because I think there's some surprises we want to see. Play a character who's aged 70. Did those doubts come in your mind? Did you have that kind of skepticism? No, because I played it differently. I played very differently. वो सब दाढ़ी बड़ी है, बाल वाल है, he's playing 70, but he's in his 40s. तो इस बूढ़े का जो swag है, जो इसकी energy है, it's not like not that kind of busur. He's not marhoon type busur. He's a very young. You know, one second. I just want to add to that look also. Was there a lot of thought that went into ki mooch kaisi honi chahiye, daadi kaisi honi chahiye? You know, because it looks, obviously yes, you... Yes, there was. I'm yeah? answering that. How many different mooches did we see? How many different mooches and daadis did you try out? Mooches. Nice. Lots of thinking today in the questions and answers here. Yeah. नीचे ले लो थोड़ा, आप सुनेगा नहीं, नहीं दोहराना चाहेंगे। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जितने भी चैप्टर्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग रहे और जब तक कि वो नहीं थे जिंदगी में मैं नहीं होता। तो इवन जो भी हुआ मेरे साथ, अनफॉर्चुनेट ये हुआ है मेरे साथ ताकि मैं इस उस उन सब चीज़ों ने मुझे इस मुकाम पर ला के खड़ा कर। हेलो, मेरा सवाल सलमान जी से है, आरती सक्सेना। यस सर, सो यू वर्क विद अली इन द लास्ट टू फिल्म दैट यू वर्क विद अली, दे हैव बीन थ्रेड क्रो सुल्तान एंड टाइगर सिंधा है। व्हाट मेक्स अली अ वेरी स्पेशल राइटर डायरेक्टर, एंड यू कैन प्लीज ब्रीफली टेल अस समथिंग अबाउट योर वर्किंग एक्सपीरियंस विद सुनील ग्रोवर, जैकी सर एंड आजकल क्या हो गया ना कि लोग इमोशन से घबराते हैं, इमोशन को ये समझ के चलते हैं कि क्लीशेड है। सो दे ट्राइंग टू डू डिफरेंट स्टफ, जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर चलता नहीं। हम सब इमोशन से जुड़े हैं, हम सब सही और गलत से जुड़े हैं और ये ग्रास रूट
जो हमारा जो कल्चर है हमारे ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है और वो अली में कूट कूट के भरा हुआ है. सो जो लोग इमोशन से डर There was never anything like that. Actually, I was fully